दोस्तों, कब किसकी किस्मत पलट जाए ये कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे एक शख्स की जिसके पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे और वही शख्स आज बॉलीवुड का सुपरस्टार है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के बादशाह और किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान की। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि शाहरुख खान के पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस समय उनके एक दोस्त ने उन्हें घर के किराए के लिए पैसे दिए थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसे ही बॉलीवुड की वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली के एक बेहद गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका परिवार किराए के घर में रहता था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद RPF स्वतंत्र सेनानी थे जो कि पेशावर से थे और उनकी माँ लतीफ फातिमा जो हैदराबादी थी। आज़ादी के बाद उनके पिता पेशावर से दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने होटल खोला और किराए के घर में अपने परिवार को पाला। शाहरुख खान की शुरुआती शिक्षा सिंह कोलंबा स्कूल से हुई और आगे की पढ़ाई हंसराज कॉलेज से करके उन्होंने डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दिनों से ही उनका समय पढ़ाई में कम और दिल्ली थिएटर में ज़्यादा बीतता था। वहाँ उन्होंने वेरी जॉन से एक्टिंग के गुण भी सीखे। इसके बाद शाहरुख मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगे, पर पढ़ाई में मन नहीं लगा। उन्होंने पढ़ाई छोड़ एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने के मन से नेशनल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखने लगे। शुरुआत में शाहरुख ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की। उन्होंने कई टीवी सीरियल में काम करते हुए अपनी प्रारंभिक पहचान बनाई। शाहरुख के बेहतरीन एक्टिंग के कारण उनकी तुलना बॉलीवुड लीजेंड दिलीप कुमार से की जाने लगी। 1991 में उनकी माँ के जाने के बाद शाहरुख गहरे गम में डूब गए क्योंकि कैंसर से उनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। माता पिता की मौत के बाद उनकी बड़ी बहन शहनाज खान गहरे डिप्रेशन में चली गई, जो आज भी भाई शाहरुख खान के साथ रहती हैं। यही सब गम दूर करने के लिए शाहरुख मुंबई आ गए और शायद बॉलीवुड भी उनका इंतजार कर रहा था, जो कि जाते ही उन्हें एक नहीं चार फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उनकी बॉलीवुड में शानदार एंट्री फिल्म दीवाना से हुई और फिल्म सुपरहिट हुई। इस फिल्म में उनके एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला और वहीं से किंग खान का राज शुरू हुआ। 1993 में डर और बाजीगर जैसे सुपरहिट फिल्मों में विलन का रोल पाकर बॉलीवुड के पॉपुलर विलन भी बन गए, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसी तरह जब उन्होंने काजल के साथ दिलवाले दुनिया ले जाएंगे फिल्म की तो उन्होंने रोमांटिक अवतार से सबके दिल जीत लिए और यह फिल्म दुनिया भर में सुपरहिट रही। 2003 में उन्होंने अपनी पत्नी गौरी खान के साथ मिलकर रेड चिल्स एंटरटेनमेंट नाम से फिल्म प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। इस प्रोडक्शन हाउस से अब तक 12 फिल्में बन चुकी हैं। एक्टिंग के साथ साथ शाहरुख एक अच्छे सिंगर भी हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही बॉलीवुड की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।